नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मऊ रानीपुर में मंगलवार की शाम अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई, जिसमें अतिक्रमण किए हुए नगर में जेसीबी मशीन का पीला पंजा चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को मऊ रानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव तथा कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह द्वारा पुलिस बल के साथ नगर पालिका की टीम को लेकर नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए निकल पड़े, जहां सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन का पीला पंजा चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए अतिक्रमणकारी अपना अपना कब्जा व सामान हटाते हुए नजर आए। मऊ रानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में सभी दुकानदारों को अवगत करा दिया गया था कि वह अपना सामान अतिक्रमण से हटा लें, सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना फैलाएं, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी दुकानदारों द्वारा कोई आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो कोरोना महामारी के बढ़ते कहर पर भी मास्क का उपयोग नहीं करते हुए पाए गए, और बताया गया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। रिपोर्टर संजीव तिवारी, मऊ रानीपुर। जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक अश्विनी दीक्षित, उप निरीक्षक सौरभ सिंह, उप निरीक्षक श्याम शाहू, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, मंडी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शिवम सिंह व नगर पालिका सफाई इंस्पेक्टर ओमकार सिंह, राजेंद्र रावत, नंद्र किशोर रावत, अंकित पटेरिया, पुष्पेंद्र प्रताप सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बताइए सर, पूछो करना चाहिए कार्रवाई। सर आज यहाँ पर मऊ रानीपुर में हमारे यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें नगर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से काफ़ी यहाँ पे जाम लगता था, और उस जाम की वजह से लोग काफ़ी जो है इकट्ठे हो जाने थे। तो रिगार्डिंग में नगर पालिका के द्वारा और मऊ रानीपुर यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जो लगातार जिन्होंने अपना जो है उसका पालन नहीं किया था उसको चालान किया गया है। उसके साथ साथ में मास्क नहीं लगाए थे लोग, उनके ऊपर भी चालान किया गया है। जिन गाड़ियों का जो है जो अवैध कंडीशन उनके ऊपर भी